दिल्ली से सटे गाजियाबाद के भोपुरा कृष्णा कुटी के पास मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए गौतम बुद्ध नगर से भी गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग से 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक भोपुरा कृष्णा कुटी के पास 500 से अधिक झुग्गियों में लोग परिवार के साथ रहते थे। करीब इतनी ही झुग्गियों को कबाड़ के गोदाम के रूप में प्रयोग करते थे। कबाड़ की यहीं पर छटाई करते थे। मंगलवार रात को अचानक आग कबाड़ में पकड़ने की वजह से काफी भीषण हो गई। ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, चीख पुकार मच गई। लोग खुद और स्वजनों को सुरक्षित करने में जुट गए। इस दौरान दर्जनों धमाके हुए। बताया गया कि धमाके छोटे गैस सिलेंडरों के फटने से हुए। अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 15 गाड़ियां गाजियाबाद की आग बुझाने में जुटी हैं। गौतम बुद्ध नगर से भी गाड़ियां मंगाई गई। कई मशक्कत के बाद देर रात आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। टीला मोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक रण सिंह ने बताया है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने बताया है कि उनसे हर माह 1 से 3 हजार रुपये हिसाब से किराया वसूला जाता था। कबाड़ के गोदाम बनाने के लिए रखी बड़ी झुग्गियों से हर माह 3 हजार रुपये किराया वसूला जाता था। आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन जांच के बाद ही किया जा सकेगा। 2 घंटे पहले पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि यहाँ ये टीला मोड़ थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे एक जगह आग लगी हुई है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फायर सर्विस की गाड़ी हमारी मौके पर पहुंच गई थी। तो आग को हमने फैलने से रोक लिया है। फिलहाल आग नियंत्रित है और हम 2-3 घंटे में इस पर पूरी तरीके से काबू पा लेंगे। आग के कारणों की जानकारी की जा रही है, शीघ्र ही ये पता दिया जाएगा आप सभी को। क्या किसी जानमान की? नहीं नहीं, किसी जान की हानि नहीं हुई है। तो अभी जो यहाँ पे लोग रहा करते थे, लगभग कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे, इसकी पूरी बारे में जानकारी की जा रही है। 2-3 घंटे हुए, फिलहाल हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आग पे जल्दी से जल्दी नियंत्रण पा लें। सर, अभी जो लोग थे वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए? अभी आपने कहाँ शिफ्ट कर दिया? ये जो अपने टेम्परेरी जो उनके घर थे जो नियर बाय, वहाँ पे वो चले गए हैं। लेकिन अगेन हमारा पहला ऑब्जेक्टिव फिलहाल यही है, वो सेकेंडरी है, बाद में देखा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.